कैटरपिलर अगर गार्डन में आ जाते हैं तो इस तरह से लीव्स को या फ्लावर्स को खा जाते हैं। ये देखिए, इस फ्लावर्स को कैटरपिलर खा गया है। तो मुझे लग रहा था कि कैटरपिलर तो कहीं तो है, दो दिन से मैं देख रही थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, आज मुझे अचानक से दिख गया। तो मैं दिखाती हूँ कितना बड़ा कैटरपिलर मुझे दिखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये देखिए, इतना बड़ा कैटरपिलर है और मुझे अचानक से दिख गया, और ये पॉट के पीछे चिपका हुआ था। अचानक से इस तरह का कैटरपिलर दिख जाए तो रोआ रोआ तक सिहर जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कैटरपिलर वगैरह अगर दिख जाते हैं गार्डन में, ये तो घरों में भी घुस जाते हैं, घरों में भी चलते आते हैं। और इस तरह के कैटरपिलर जो होते हैं वो सहजन की पेड़ पर, आम की पेड़ पर ज़्यादा होते हैं। सहजन की पेड़ पर तो चिपके रहते हैं और बहुत भारी मात्रा में चिपके रहते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में मैंने देखा और देख कर डर सा लगता है। तो इस तरह से सहजन की पेड़ पर चिपके रहते हैं और देख कर मन भी घिनमिना जाता है। इस तरह के कैटरपिलर अगर आपके गार्डन में आ जा रहे हैं तो आप अपने गार्डन से कैसे भगाएं, और अगर आपको सामने दिख जाए तो उसे कैसे हटाएं। अगर घरों में आ जा रहे हैं तो फिर उसे भी किस तरह से आने से रोकें। और इस तरह के कैटरपिलर से हमारे गार्डन को क्या नुकसान होती है और ये हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, कैसे हार्म में पहुँचाती है, यह भी मैं बताने जा रही हूँ। तो कैटरपिलर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन ये जो कैटरपिलर है यह हेरी कैटरपिलर कहलाता है, यानी कि इसे हम लोग आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में भुआ पिल्लू कहते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा। ये कैटरपिलर इन दिनों ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस तरह के कैटरपिलर हमारे घरों में सब्जियों के साथ भी आ जाते हैं, साग वगैरह के साथ आ जाते हैं, या कपड़े वगैरह हम लोग डालते हैं सूखने के लिए तो उसमें भी चिपक कर अंदर आ जाते हैं। इस तरह के कीड़े जो होते हैं गार्डन को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, और यह हमें भी, इंसानों को भी हार्म पहुंचाते हैं। और गार्डन में तो ये कीड़े खुद ब खुद ही दिखाई दे देते हैं, कहीं से आ जाते हैं और लिप्स के पीछे भी छुपे रहते हैं। उससे पहले तो इस तरह के कैटरपिलर अगर आपको गार्डन में दिख जाते हैं तो इसे कभी भी छूने की गलती नहीं करें। इसे हटाना भी हो तो स्टिक की सहायता से हटाएं। और ये जो कैटरपिलर होता है, इसके कारण आपके शरीर में एक्जिमा भी हो सकती है। ये कैटरपिलर शरीर में रैसेज पैदा करता है, जिसे हेयरी कैटरपिलर रैस भी कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर पर लगे स्पंज में कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसके छूने से शरीर में एलर्जी या इन्फेक्शन होने लगती है। जैसे कि वो छूते ही या किसी तरह यह टच हो जाता है तो स्किन पर पित्ती हो जाती है, और ये पित्ती इतनी तेज़ी से फैलती है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो जाती है और रैसेज भी हो जाते हैं और खुजली होती है। खुजली इतनी तेज होती है कि वहाँ पे जख्म जैसी हो जाती है। कभी कभी तो इसके कारण डॉक्टर के पास भी जानी पड़ जाती है। में कैटरपिलर अगर बाहर से आ जाते हैं तो उसे हटाने के तरीके पे भी बात करते हैं। तो उसके लिए अपने घरों के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और फिनाइल वगैरह का भी छिड़काव कर सकते हैं। आपके गार्डन में कैटरपिलर है तो उसे कैसे भगाएं? तो पहले तो अगर आपको दिख जाए तो इस तरह से स्टिक वगैरह से उठाकर फेंक दें। स्टिक के चारों तरफ वह खुद ही चिपक जाता है, उसके बाद इस तरह से फेंक दें। गार्डनिंग से संबंधित जो भी वर्क करते हैं, जब कैटरपिलर का अटैक रहता है तो उन दिनों आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, गार्डन को कैटरपिलर से कैसे बचाएं? तो गार्डन में कभी कभी कुछ हमें स्प्रे करने होते हैं, जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे करें। 1 लीटर पानी में हम 2 चम्मच नीम ऑयल मिला लेंगे और उसमें 2-4 बूंद लिक्विड सॉप है तो वो मिला लेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर थोड़ी सी सर्फी मिला लेंगे और उसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद अपने सारे प्लांट्स पे स्प्रे कर देंगे तो फिर इससे भी कैटरपिलर वगैरह जो है वो दूर भागते हैं। नीम ऑयल नहीं हो तो भी आप 1 लीटर पानी में 3-4 बूंद लिक्विड सॉप या सर्फ डालकर उसे मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं। उससे प्लांट्स पर चिकनाई आती है, जिसके कारण कैटरपिलर्स वगैरह अगर होते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं। तो ऐसे भी हम कैटरपिलर से अपने प्लांट सबको, पौधों को, गार्डन को बचा सकते हैं। गार्डन को कैटरपिलर क्या क्या नुकसान करते हैं वह भी मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ। अब बात करते हैं कि कैटरपिलर हमारे गार्डन को कैसे नुकसान पहुँचाती है। तो देख रहे होंगे ये फ्लावर्स
पूरी तरह से खाया हुआ है, तो ये कैटरपिलर का ही कमाल है। तो इस तरह से फ्लावर्स को भी खा जाते हैं और लिप्स को भी। यहाँ पे ये है सूरजमुखी का प्लांट, तो ये देखिए इसके लिप्स को भी चट कर गई है। तो इस तरह से लिप्स को खा जाती है। कभी तो कैटरपिलर्स छोटे प्लांट्स के सारे लिप्स को खा जाती है, तो वैसे में प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर सकता है? तो जब लिप्स को ही खा जाएगी और फ्लावर्स को ही खा जाएगी तो फिर वो प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर सकता है? तो इस तरह से हमारे गार्डन को नुकसान पहुँचाता है कैटरपिलर। कैटरपिलर कई तरह की होती है, ये तो हेरी कैटरपिलर है और कई तरह की होती है, जैसे कि देखिए इस तरह के भी होते हैं कैटरपिलर और इस तरह के भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। देखने में तो अच्छा नहीं लगता है। लिप्स वगैरह फ्लावर्स वगैरह तो ये सभी कैटरपिलर खा जाते हैं, लेकिन जो हेरी कैटरपिलर होता है वह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हम इंसानों के लिए। दो तीन कैटरपिलर पहले भी मैं निकाल कर फेंकी हूँ और इस बार पता नहीं क्यों मेरे गार्डन में कैटरपिलर आ जा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ प्लांट जो अंदर रखे हुए थे, तो यहाँ पे काम चल रहा था तो आज नहीं काम हो रहा, इसलिए मैं धूप में निकाल कर रखी हूँ। और ये गुलदाउदी में से भी मैं एक दो कैटरपिलर निकाल कर फेंकी हूँ, पता नहीं क्यों इस बार मेरे गार्डन में कैटरपिलर आ जा रहे हैं, पहले तो नहीं आ रहे थे। बारिश के दिनों में हमें ऐसे भी नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहना चाहिए। एडेनियम्स वगैरह हो तो फंगीसाइड्स का स्प्रे करते रहना चाहिए। इस बार मैं स्प्रे भी नहीं कर पा रही हूँ, स्वास्थ्य व्यस्त है जिसके कारण काम वगैरह होते रहते हैं, तो हो सकता है इन्हीं कारणों से कैटरपिलर दिखाई दे रहे हों इस बार। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों के काम की हो या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। और वीडियो में जो पहली बार आया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।